हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में लगातार बढ़ते कोविड मरीजों के चलते तमाम प्रयासों के बावजूद स्थितियां भयावहता की ओर जा रही हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के देशव्यापी कमी के चलते हॉस्पिटल में मांग के अनुरूप इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने से ऑक्सीजन के उपलब्ध स्रोत भी कम पड़ रहे हैं। इसी परिस्थितियों को देखते हुए देर रात जयपुर रवाना होकर आज सुबह सीएम के सचिव श्री कुलदीप रोका से मुलाकात कर बताया कि राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। जो स्रोत हमारे पास है उनसे ऑक्सीजन पूरे नहीं हो पा रहे हैं, साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन हमें बहुत कम संख्या में उपलब्ध हो रहे हैं। उसको लेकर मैंने आग्रह किया कि बाड़मेर में रोजाना 6 टन ऑक्सीजन एवं 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन तो कम से कम तुरंत बाड़मेर हॉस्पिटल को उपलब्ध करवाएं, स्थितियों की गंभीरता को देखते हुए अति शीघ्र उपलब्ध कराएं। श्री कुलदीप रोका जी ने गंभीरता को देखते हुए तुरंत संबंधित को बाड़मेर में ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मेरा बाड़मेर वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप परिस्थितियों की भयावहता को समझें, शादी समारोह में भीड़ नहीं करें, मास्क अवश्य पहनें। ऐसे समय में दृढ़ विश्वास एवं हिम्मत से काम लें, हम इस महामारी को बहुत जल्द खत्म करने में कामयाब होंगे। मेवाराम जैन, विधायक बाड़मेर, जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।